अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका सलमान शेख। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिटी हाउसिंग खारियाँ के रिलेटेड है। तो आज हम सिटी हाउसिंग खारियाँ की साइट के ऊपर आए हैं। आज हम आपको साइट का कंप्लीट विजिट करवाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए वीडियो आगाज़ करते हैं। इस वक्त हम फ्रंट के ऊपर मौजूद है। यहाँ से फ्रंट से आपको मैं डेवलपमेंट दिखाऊंगा, लास्ट तक जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ग्रीन बेल्ट बनेगी और यहाँ पे डीपीज लग चुकी हैं और ऊपर जो सिग्नेचर डिज़ाइन है, साइन है सिटी हाउसिंग का, ऊपर लाइट भी लग चुकी है। ये सब सिटी हाउसिंग में लगी हुई हैं। और यहाँ पे इजिप्शियन कॉलम का काम देख सकते हैं, इजिप्शियन कॉलम यहाँ पे बन चुके हैं। इनका काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। रिटेनिंग वॉल का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। स्टोन पिचिंग का काम यहाँ पे चल रहा है। पीछे भी रिटेनिंग वॉल का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे लग चुकी हैं। तो मैं आपको यहाँ से आपको कंप्लीट डेवलपमेंट दिखाता हूँ, तो हमारे साथ रहिएगा। तो ये एरिया आप देख सकते हैं, अभी तक जो है रोड के ऊपर एस्फाल्ट नहीं डली, बट ये है कि सब बेस का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और यहाँ से आप साइड को भी देख सकते हैं, लेफ्ट साइड की जो रिटेनिंग वॉल है वो कंप्लीट हो चुकी है, बट ये जो राइट साइड की वॉल है इसके ऊपर प्लास्टर हो चुका है, इसके ऊपर बस पेंट वर्क रह गया है। और यहाँ पे आप ये एरिया सारा देख सकते हैं। ये पार्किंग के लिए यहाँ पे ब्रिक्स भी आ चुकी हैं और ये एरिया आप सामने देखें, अंडरपास के पास यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। सिटी हाउसिंग का लोगो भी देख सकते हैं यहाँ पे सामने, और वॉल के ऊपर डेकोरेशन भी हो चुकी है। गेट का काम भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है कि कंप्लीट हो चुका है। ये अंडरपास की जो वॉल है उसके ऊपर डिज़ाइनिंग वर्क देख सकते हैं आप। ये साइड पे जो है लेफ्ट साइड पे कलेक्शन टैंक का काम चल रहा है, ये कलेक्शन टैंक का सारा काम चल रहा है। आपको मैं कंप्लीट डेवलपमेंट यहाँ से दिखा रहा हूँ सिटी हाउसिंग खारियाँ की। ये कलेक्शन टैंक का जो है वो काम चल रहा है, ये भी ऑलमोस्ट 40% काम हो चुका है इसका। डिगिंग वगैरह स्टील जो है वो बांध चुके हैं। और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी देख सकते हैं, सामने जो है आप मेन गेट देख सकते हैं इसका, जस्ट लाइक सिटी हाउसिंग झेलम में गेट बना हुआ है बी ब्लॉक में, बी एक्सटेंशन में, उसी तरह का ये हेलीकॉप्टर गेट यहाँ पे बन रहा है। और इसका काम बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। साइड के ऊपर मशीनरी काम कर रही है और ये एरिया आप देखें बिल्कुल प्लेन हो चुका है, यहाँ पे मशीनरी काम कर रही है। और ये एरिया आप देखें, और यहाँ से आप ये वाला एरिया देखें, क्योंकि मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि ये एरिया ऊपर था, ऊंचाई के ऊपर था, यहाँ पे पहाड़ी वगैरह थी मौजूद। और यहाँ पर आप मशीनरी वगैरह देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे काफ़ी मशीनरी काम कर रही है। पीछे भी आपको धुआं नज़र आ रहा होगा, पीछे भी मशीनरी काम कर रही है। और यहाँ पे ये गेट का काम चल रहा है, और मैं आपको जो है आगे जाके दिखाता हूँ। ये सामने आप मशीनरी देख सकते हैं, यहाँ से आपको सामने मशीनरी नज़र आ रही होगी। यहाँ पे भी काम हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लेवल हो चुका है ये एरिया। बारिशों की वजह से काम स्टॉप था, बट अब जो है काफ़ी तेज़ी के साथ काम यहाँ पर चल रहा है। तो इंशाल्लाह अब रेगुलर बेसिस के ऊपर वीडियोस आएंगे। यहाँ पे आगे वीडियो नहीं बना रहे थे क्योंकि काम नहीं चल रहा था, बारिशों की वजह से काम रुका हुआ था, बट आप बकायदा तौर पे काम देख सकते हैं। बारिशों के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे साइड की हालत ख़राब हो चुकी थी, बट अब यहाँ पर इन्होंने अगेन इसको लेवल कर दिया हुआ है। ये सारा एरिया आपको मैं दिखा रहा हूँ, मशीनरी यहाँ पर काम कर रही है। ये एरिया आप देखें, और यहाँ से भी एरिया देखें, यहाँ पर मशीनरी काम कर रही है और वो आगे भी सारी मशीनरी काम कर रही है। यहाँ पे सारा एरिया इन्होंने प्लेन कर दिया हुआ है, मैं आपको थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। तो जो लोग इंस्टॉलमेंट के ऊपर डिस्काउंट हासिल करना चाहते हैं सिटी हाउसिंग खारियाँ की, तो वो हमारे से डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपना प्लॉट नंबर लगवाना है वो भी हमसे नंबर लगवा सकते हैं, प्लॉट नंबर। और यहाँ से आप ये एरिया देखें, और वो आगे भी मशीनरी काम कर रही है। ये एरिया बिल्कुल इन्होंने प्लेन कर दिया, सीवरेज के पाइप्स वगैरह भी डाल दिए थे, बट बारिशों के बाद आप ये देखें ये काम दोबारा इन्होंने स्टार्ट किया है। एक दफ़ा से फिर से जो है दोबारा काम स्टार्ट हुआ है। मशीनरी यहाँ से आपको मैं दिखा रहा हूँ, और वो आगे भी आप मशीनरी देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रही होगी मशीनरी। माशाल्लाह काफ़ी तेज़ी के साथ आप काम जो है सिटी हाउसिंग खारियाँ का चल रहा है। पहले इन्होंने काम रोक दिया था क्योंकि बारिशों की वजह से ये जितना मर्जी काम कर लेते
वापस वही सिचुएशन बन जानी थी जो ज़मीन की। और बट अभी जो सा इन्होंने फिर दोबारा काम स्टार्ट कर दिया है, यहाँ से रोड्स वगैरह निकालनी शुरू कर दी है, झंडे वगैरह लगा दिए हैं। इससे ये पता चलता है कि ये मेन बुलेवार्ड रोड है और यहाँ यहाँ पे रोड्स निकलेंगी। यहाँ पर मशीनरी देख सकते हैं, वो पीछे तक मशीनरी लगी हुई है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, सिटी हाउसिंग खारियाँ की लेटेस्ट डिवेलपमेंट। तो जिन लोगों ने अभी तक अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं जमा करवाई तो वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर डिस्काउंट जो है वो हासिल कर सकते हैं। और यहाँ से सारा एरिया आप देखें, ये सारा एरिया सिटी हाउसिंग खारियाँ का है। ऑलमोस्ट 11,000 कनाल जो है लैंड इन्होंने एक्वायर कर ली हुई है। तो यहाँ से मैं आपको सारी डिवेलपमेंट दिखा रहा हूँ, आप मेरी पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हैं, अभी वाली वीडियोज़ भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम चल रहा है। तो जी व्यूअर्स, यहाँ से आप मशीनरी देख सकते हैं और ये पीछे तक काम चल रहा है। और यहाँ से आपको मैं लेटेस्ट डेवलपमेंट दिखा रहा हूँ सिटी हाउसिंग खारियाँ की। तो पुरानी वीडियोस भी मेरी आप देख सकते हैं, अभी वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। तो नो डाउट काम थोड़ा स्लो हुआ है, बट ये है कि अभी हम आए हैं तो यहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मशीन्स जो सी हैं वो काम कर रही है। इंशाल्लाह आप रेगुलर बेसिस के ऊपर वीडियोज़ आया करेंगी। और यहाँ से आप एरिया देख सकते हैं, पहले एक दो दफ़ा मैं आया था बारिशों के बाद, वहाँ पर अंडरपास के नीचे से गुजरने का रास्ता ही नहीं था, पानी खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मैं नहीं आगे आ सका, आपको मैं वीडियो नहीं बना सका। बट अब जो सा है, अब वो कलेक्शन टैंक का काम जो सा है वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। इंशाल्लाह एक दफ़ा कलेक्शन टैंक बन गया, उसके बाद जो सा है ये जो पानी है वो स्टोर हो जाया करेगा और बाहर सीवरेज के थ्रू निकल जाया करेगा। ये एरिया आप सारा देखें, क्लीन हो चुका है, आपको कम्प्लीट विजिट करवा रहा हूँ साइड का। ये एरिया देखें आप, ये सारा सिटी हाउसिंग खारियाँ का एरिया है और सारा एरिया ये प्लेन हो चुका है। ये एरिया देखें, आपको मैं उतर के दिखाता हूँ सारा एरिया, तो मेरे साथ रहिएगा। तो जी व्यूअर्स, वो एरिया है, सामने गेट नज़र आ रहा होगा, वहाँ से हम यहाँ पे आए हैं। तो आपको एरिया दिखा रहे हैं, सारा सिटी हाउसिंग खारियाँ ने एक्वायर कर लिया हुआ है। और यहाँ से आप एरिया देखें, यहाँ पर भी वर्क हुआ हुआ है, ये भी एरिया लेवल हो चुका है, वो पीछे तक आपको नज़र आ रहा होगा एरिया, ये लेवल हो चुका है। और ये एरिया भी साइड पे भी प्लेन हुआ है एरिया, ये सारा एरिया आप देख सकते हैं, ये सारा एरिया जितना भी है सिटी हाउसिंग खारियाँ ने एक्वायर कर चुके हैं और इनकी बाउंड्री भी काफ़ी पीछे जा चुकी है। तो डेवलपमेंट वाइज अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट काफ़ी स्लो हुई है, बट ये है कि काम अभी चल रहा है। अगर इसी पेज के साथ ये काम करें तो आपको विद इन टाइम पीरियड कुछ ब्लॉक्स की जो फ्रंट वाले ब्लॉक्स हैं उनकी पोजेशन मिलेगी, बाकी जो सा है उसके बाद साइड बाय साइड काम चलता रहेगा, उसके बाद आपको पोजेशन मिलती रहेगी उसकी। तो ये एरिया आप सारा देखें, ये सिटी हाउसिंग खारियाँ का एरिया है, वो पीछे से भी मशीन आ रही है, पीछे तक जो सा है वो काम चल रहा है। तो कोई भी क्लाइंट यहाँ पे सिटी हाउसिंग खारियाँ की इंस्टॉलमेंट के ऊपर डिस्काउंट हासिल करना चाहता है वो डिस्काउंट हासिल कर सकता है, कोई अपना प्लॉट नंबर लगवाना चाहता है तो प्लॉट नंबर लगवा सकता है हमारे थ्रू। तो आप किसी किस्म की क्यूरी हो, क्वेश्चन हो सिटी हाउसिंग जेलम के रिलेटेड, सिटी हाउसिंग खारियाँ के रिलेटेड, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी डिटेल दी हुई है। आपके लिए मैं इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।